नमस्कार दोस्तों, सब्जेक्ट कोड BANS 183 के क्वेश्चन पेपर की आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जहां इस चैप्टर की एक एक वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर एक एक लेक्चर को अच्छे से सुन सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, आपको वीडियो नहीं मिल रही है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको सारे लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो चलिए अब क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं। दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। मैक्सिमम 50 नंबर का पेपर होगा ये आपका और टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे। 5 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। 5 क्वेश्चन 10-10 नंबर के होंगे और एक सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे और एक सेक्शन से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मानव विज्ञान को परिभाषित कीजिए और पर्यटन के अध्ययन में जैविक और सांस्कृतिक मनोविज्ञान की भूमिका पर चर्चा कीजिए। प्रवसन की अवधारणा और पर्यटन के साथ इसके संबंध की चर्चा कीजिए। पर्यटक और विभिन्न प्रकार के पर्यटन को परिभाषित कीजिए और किसी दो पर आप टिप्पणी कर दो, चाहे सांस्कृतिक प्रभाव पर या संस्कृति का बाजारीकरण, मेजबान एवं अतिथि। सारे के सारे लेक्चर अपलोड है और चैप्टर के वैसे ही ये क्वेश्चन आए हुए हैं। यूनिट 2 है, पर्यटन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की व्याख्या कीजिए। 6वां क्वेश्चन है, उपयुक्त उदाहरण सहित भारत में विरासत स्थलों का पुनरुद्धार संरक्षण कैसे किया जा रहा है, इसकी व्याख्या कीजिए। पास की पर्यटन की परिभाषा दीजिए, यानी कि इको टूरिज्म के बारे में बताओ और फिर से टिप्पणी आपको करनी है। 8 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, किसी यूनिट से 2 और किसी यूनिट से 3। एक एक चैप्टर की वीडियो में बाद बता रहा हूँ आपको अपलोड है, आप वहाँ जाकर एक एक लेक्चर को ध्यान से सुन सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड के क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।